हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा इसका भाग है, वो करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन का पहला भाग हमने बात किया था। पहले भाग के अंदर सामान्य पादप प्रजनन की किस प्रकार से, उसके क्या उद्देश्य रहते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का अपने अध्ययन करते हैं, ब्रांचेज उनकी क्या क्या थी। अब देखिए, अपने अध्ययन करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा जो आपका पार्ट रहता है। हमने पहले जो चार टॉपिक थे आपके, वो क्लियर कर लिए। अभी जो आगे वाला टॉपिक है, वो प्लांट ब्रीडिंग का ही रहता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ पोलिनेशन। मोड ऑफ पोलिनेशन, देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जनन, और पोलिनेशन का मतलब होता है कि परागण। प्लांट ब्रीडर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, किसी भी फसल के अंदर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि इस पौधे के अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है, और इसके अंदर पौधों के अंदर जो पोलिनेशन है, परागण है, वो कौन सा पाया जाता है, स्वपोषित होता है या परपरागित होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती है दोनों। इनका ज्ञान होगा तो ही पादप प्रजनन है वो सफल हो पाएगा। इन्हीं के द्वारा नई किस्मों का विकास होता है, किसी भी फसल की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है वो इसी के द्वारा आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जनन। देखिए, पादपों में जनन होता है, वो दो प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का जनन पाया जाता है। एक तो अपने कह देते हैं अलैंगिक जनन, क्या कह देते हैं? अलैंगिक जनन। और दूसरा अपने कह देते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जो अपना अलैंगिक जनन होता है उसको अपने कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो लैंगिक होता है उसको कह देते हैं अपने सेक्सुअल। ठीक है, दोनों में फर्क इतना होता है कि इसमें जायगोट का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, और इसमें किसी भी प्रकार के गैमेट का निर्माण नहीं होता। जो एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन के अंदर देखिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब अपने किसी भी निषेचन की क्रिया इसके अंदर संपन्न नहीं होती है, और बिना गैमेट के निर्माण के सीधा ही बीज का निर्माण हो जाता है या भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो वो जनन है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो पहले अपने बात करें कि अलैंगिक जनन में कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार का जनन होता है, एक तो होता है कायिक जनन। कौन सा होता है? एक तो होता है कायिक जनन, और दूसरा होता है वो अपना कहलाता है, कायिक जनन के बाद में दूसरा जनन होता है वो कहलाता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अब यहीं तक मैं आपको हिंदी बताऊंगा बस। ठीक है, कायिक जनन को वेजिटेटिव अपने रिप्रोडक्शन कहते हैं, अनिषेक जनन को एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस, देखिए, आपके जो दो दो नंबर की परिभाषा आती है, इस टॉपिक में से कम आपको पांच परिभाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके प्लांट ब्रीडिंग के पेपर के अंदर कम से कम इसमें से पांच परिभाषा जो दो दो नंबरों की होती है वो आपको देखने को मिलेगी। 10 परिभाषा आपको करनी होती है, जो अपनी डेफिनेशन होती है वो कम से कम पांच परिभाषा इस टॉपिक में से आएगी आएगी। ठीक है, तो आप देखिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। कायिक जनन के रूप में बात करें अपने, कायिक जनन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी पौधे के वेजिटेटिव भाग से, कायिक भाग से जब नए पौधे का विकास हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कायिक जनन होता है। ठीक है, कोई भी कायिक भाग से, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती के द्वारा, किसी भी भाग से अपने जब पौधे का विकास होता है, जिसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है, सीधा का सीधा अपने जनन हो जाता है, नया पौधा विकसित हो जाता है या नया बीज का निर्माण हो जाता है, तो वो कायिक जनन कहलाता है। और देखिए, इसमें मुख्यतः क्या होता है, देखिए, जब तने के द्वारा प्रवर्धन होता है तो तने का बहुत सारे फॉर्म पाई जाती है। जैसे अपने बात करें राइजोम की, राइजोम, राइजोम देखिए, एक भोजन को अंतःग्रहण कर फूल जाता है तना, और भूमि में समानांतर वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसका राइजोम के द्वारा देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा हल्दी, कुकर्मा डोमेस्टिका या कुकर्मा लोंगा, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा अदरक, अदरक जी, अपने अदरक का नाम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेली,
अदरक जिंजिबर ऑफिसिनेली होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो आलू रहता है, आलू का कंद के द्वारा होता है, जिसे अपने ट्यूबर का कहते हैं, ट्यूबर का प्रवर्धन है, आलू का प्रवर्धन ट्यूबर के द्वारा होता है, कंद जिसे अपने कहते हैं, ठीक है आलू। उसके बाद में अगर अपने बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो अपना भाग होता है वो होता है ट्यूबर के बाद में कोरम, कोरम होता है, कोरम के द्वारा किसका होता है, अरबी का प्रवर्धन होता है, किसका प्रवर्धन होता है, अरबी का, कोरम के बाद में अरबी का प्रवर्धन होता है। और अरबी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कोलोकेशिया एक्विलाटा, अरबी का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कोलोकेशिया एक्विलाटा, ठीक है। तो इनका प्रवर्धन है वो अपने कोरम के द्वारा होता है। आगे वाला जो प्रवर्धन का फॉर्म रहती है वो होता है बल्ब, ठीक है। और बल्ब का जो तने का ही भाग होते हैं एक प्रकार से, बल्ब में प्याज और लहसुन आ जाता है, जिसे एलियम सीपा और एलियम स्टाइवम होता है, ठीक है। लहसुन एलियम स्टाइवम और प्याज होता है वो अपना एलियम सीपा के नाम से जाना जाता है। तो इनका प्रवर्धन है वो तने के द्वारा हो गया। उसके बाद में अगर अपने एरियल सब एरियल स्टेम की बात करें, तो जैसे स्टोलन हो गया, रनर्स हो गया, सकर्स हो गया, इनके द्वारा पौधों का प्रवर्धन होता है। उसके बाद में लहसुन के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जब तना भूमि पर पड़ जाता है या कोई भी पदार्थ जो कोई भी कायिक भाग जब भूमि पर फाल हो जाता है तो उसे बल्बिल कहा जाता है। और बल्बिल होता है वो एक फूल का प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है, फूल का प्रकार होता है बल्बिल। तो ये कायिक जनन बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो था प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में, आपने देखा होगा जैसे स्टेम कटिंग, शुगर केन का प्रवर्धन होता है। उसके बाद में अपने रूट कटिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है पौधों का। उसके बाद में अपने विभिन्न विधियां होती है, जैसे गुट्टी विधि होती है, अपनी ग्राफ्टिंग विधि होती है, उपरोपण जिसको बोला जाता है, उसके बाद में कलम विधि होती है। तो ये सारी की सारी विधियां हैं, ये कायिक जनन के अंदर आती है, कायिक रूप में प्रवर्धन होता है। उसके बाद में आगे वाला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। देखिए एपोमिक्सिस कहा जाता है, आपने हमने पहले ही पढ़ा है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कभी भी गैमेट का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में कभी भी गैमेट का निर्माण नहीं होता है। और सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं देखिए अनिषेक जनन या एपोमिक्सिस का। मैंने इसको मिटा दिया है। दोबारा देखिए हमने बात की थी एसेक्सुअल की, एसेक्सुअल में हमने बात कर ली वेजिटेटिव की, अब हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस एनिसिक जनन, देखिए एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है, एपोमिक्सिस जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है या बीज का निर्माण हो जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इनके बिना निषेचन जब सीड और एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है वो अनिषेक जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है, ठीक है। इससे पहले कि हम एपोमिक्सिस के बारे में सारा का सब चीज़ों का अध्ययन करें, उससे पहले हमें कुछ एक चीज़ें हैं वो जानना जरूरी है। तो इसमें देखिए हम जनरली बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की, ठीक है, भ्रूण की बात कर रहे हैं। तो देखिए भ्रूण की संरचना पहले अपने को ध्यान होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं तो देखिए जो मादा भाग होता है उसको जायांग कहा जाता है, किसी भी फूल के मादा भाग को जायांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जायांग की संरचना देखिए इस प्रकार से होती है, ये वर्तिकागर होती है, स्टिग्मा ये स्टाइल होती है, वर्तिका जिसे कहा जाता है, नीचे अपना ओवरी आ जाता है जिसमें क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे मुख्यतः एम्ब्रियो की संरचना, भ्रूण की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। भ्रूण कैसे बनता है, देखिए अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में लगभग 8 केंद्रक पाए जाते हैं, कितने केंद्रक, 8 तो केंद्रक पाए जाते हैं और 7 सेल्स पाई जाती है, ठीक है, 8 केंद्रक और 7 सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। ये जो आउटर लेयर होती है ये एक केंद्रक का कार्य करता है, और इसके बीच में, इसके बीच के अंदर
एक द्विध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, पहले दो होते हैं उसके बाद में एक बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है जिनसे अपने निषेचन, जब अपने परागण होता है तो जो पराग कण का पोलन का जो न्यूक्लियस होता है वो इसके साथ निषेचित होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने, 8 तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और अपने 7 हैं वो सेल पाई जाती है, ठीक है। तो जो बीच वाली, ये जो बीच वाली कोशिका है ये एग सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? एग सेल कहलाती है, जो कि द्विगुणित होती है, 2n = 2n होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दो इसके आसपास कोशिका पाई जाती है ये सहायक कोशिका के नाम से जानी जाती है, सहायक कोशिका, जिसे अपने क्या कहते हैं, हेल्पिंग सेल या सिनग्रिड सेल के नाम से जाना जाता है, सिनग्रिड सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जस्ट इसके सामने जो तीन कोशिकाएं पाई जाती है ये तीनों कोशिकाएं एंटीपोडल या सम्मुख कोशिका के नाम से जानी जाती है, एंटीपोडल सेल या सम्मुख कोशिकाएं। जब भी भ्रूण का निर्माण होता है तो इनमें से किसी एक कोशिका के साथ संगम होता है न्यूक्लियस का, और उसके द्वारा क्या होता है, सीधा का सीधा निषेचन होता है। ये तो बात आती है अपने लैंगिक जनन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोलन का जो न्यूक्लियस है वो नहीं आएगा, पोलन का कोई भी यहाँ पर संपर्क नहीं रहता। हम बात पहले एपोमिक्सिस में कर चुके हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है। अब भ्रूण का निर्माण इन कोशिकाओं के द्वारा होता है, और इन कोशिकाओं के द्वारा होने के कारण इसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। देखिए, एपोमिक्सिस में पहला प्रकार होता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के एग सेल से होता है, किसे होता है, एग सेल या अंड कोशिका के द्वारा जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो वह जो अपना जनन है वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो होता है एपोगेमी। क्या होता है? एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है? एपोगेमी में देखिए, इनमें से जो एंटीपोडल सेल थी, सम्मुख कोशिका थी, इनमें से किसी एक कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो एपोगेमी कहलाती है। एंटीपोडल सेल से जब अपने भ्रूण का निर्माण होता है तो वो एपोगेमी कहलाता है। तीन नंबर आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है, देखिए जो ये आउटर है, जो आउटर लेयर है, इसे आउटर इंटीग्यूमेंट कहा जाता है और इसे इनर इंटीग्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये पूर्ण जो अपना संरचना होती है उसके अंदर एक पाई जाती है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक यानी जिस संरचना के अंदर ये भ्रूण अपने विकसित हो रहा है उसे कहते हैं भ्रूण कोष। जब भ्रूण का निर्माण किसी एम्ब्रियो सेक की कोशिका के द्वारा हो जाता है और ये एम्ब्रियो सेक की कोशिका दूसरे अपने भ्रूण कोष को बनाने में लग जाती है, उसके बाद में बचती है अपनी एग सेल। जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के एग सेल के द्वारा हो जाता है और एम्ब्रियो सेक की कोशिका है वो अलग से अपने एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है तो वो अपना एपोस्पोरी कहलाता है। एपोस्पोरी प्रकार का जो अनिषेक जनन है वो पाया जाता है, ठीक है। ये अपने अनिषेक जनन के प्रकार थे। उसके बाद में देखिए, अब हम बात करें कि अलैंगिक जनन का महत्व क्या है। पहली बात तो अलैंगिक जनन से मात्र पौधे के समान ही अपने को पौधे प्राप्त होते हैं, मात्र पौधे के गुण के समान ही पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा और निषेचन नहीं होगा तो दूसरे पौधे से कोई गुण नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद में इससे क्या होती है, अपने विषमयुग्मजता या हेटेरोजाइगोसिटी नहीं आती है, समयुग्मजता होमोजाइगोसिटी को ये बढ़ावा देती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो इनसे अपने जो एपोमिक्सिस होता है या अपने अलैंगिक जनन होता है इसे अपने डायरेक्ट म्यूटेशन करवा सकते हैं, जैसे किसी कलिका के अंदर म्यूटेशन करवा दिया और उस म्यूटेशन करवा के उसको तुरंत अपने वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अपने इसके महत्व होते हैं। जनरली हमने पढ़ा कि इसे मात्र पौधे से ही के समान ही अपने को पौधे प्राप्त होते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा
कि इससे समयुग्मजीवी पौधे प्राप्त करने हेतु अपने जनरली इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में इससे अपने को डायरेक्ट म्यूटेशन प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी कलिका के अंदर म्यूटेशन उत्परिवर्तन करवा दिया और उसको डायरेक्ट अपने वैरायटी के रूप में रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये इतने प्रकार का सिस्टम रहता है, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देखो तो उस टाइम आपके पास ये मैटर होना चाहिए, ठीक है। जब भी नया टॉपिक आता है, जैसे आज हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ पोलिनेशन कर रहे हैं, तो इसका आपके पास मैटर अवेलेबल होना चाहिए और उसको साथ साथ में आप देखते रहना चाहिए, मिलाते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एपोमिक्सिस को दो भागों में और बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले तो हमने एपोमिक्सिस के वो प्रकार पढ़े थे, अब क्या हुआ, दो भागों में और बांट दिया। दो भागों में कौन कौन से भाग में बांटा? एक तो बांटा रिकरंट एपोमिक्सिस, रिकरंट एपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो का जो कोशिका होती है या एम्ब्रियो के द्वारा जो भ्रूण बनता है, अपने बिना निषेचन के जो भ्रूण बनता है वो 2N होता है। कैसा होता है? 2N होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित होने के कारण वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाते हैं उसके गुण, रिकरेंट एपोमिक्सिस कहलाता है। और ये हमेशा ही डिप्लोइड होता है, ठीक है, 2N होता है, इसीलिए इसे रिकरेंट कहा जाता है, यानी पुनरावर्ति जनन होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है अपने को प्राप्त होता है वो हैप्लोइड होता है, अगुणित होता है, तो ये दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं हो पाता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट कहा जाता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। दोनों का एक फंडा रहता है। आपसे अगर अंतर पूछे या परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं कि पहले में जो एपोमिक्सिस अपने एम्ब्रियो प्राप्त हुआ था वो हमेशा ही अपने को डिप्लोइड प्राप्त होता है, और आगे से आगे दूसरी पीढ़ी के अंदर उसके गुण है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। परंतु जो दूसरा होता है नॉन रिकरेंट, उसमें अपने को एम्ब्रियो प्राप्त हुआ था वो हैप्लोइड होता है और स्टराइल होता है, नपुंसक होता है, तो वो दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं हो सकता, उसके गुण दूसरी पीढ़ी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये इतना आपको याद करना है, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। तो एपोमिक्सिस में हमने पहले तो पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, एग सेल से निर्माण हुआ। उसके बाद में हमने पढ़ा एपोगेमी। उस एपोगेमी के अंदर क्या होता है, एपोगेमी में जो अपना एम्ब्रियो का निर्माण हुआ था वो एंटीपोडल सेल से हुआ था, इसमें एग सेल से हुआ था। उसके बाद में हमने पढ़ा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी अपने एम्ब्रियो सेक का निर्माण है, वो बाहरी जो आउटर इंटेगमेंट होता है या जो एम्ब्रियो सेक होता है उन कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा जो रिकरंट में हमेशा ही भ्रूण होता है वो 2N होता है, डिप्लोइड होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, इसीलिए इसे रिकरंट कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा नॉन रिकरंट में एम्ब्रियो होता है वो हैप्लोइड होता है, ठीक है, और एक से दूसरी पीढ़ी के अंदर वो स्थानांतरित नहीं हो पाता है। आगे हम बात करें तो आगे आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने पढ़ा एसेक्सुअल, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मादा और नर होते हैं, वो अपना जनन करते हैं। मादा और नर है वो जनन करते हैं। जनन के द्वारा एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे जायगोट कहा जाता है, और जायगोट बनने के बाद में अपने को बीज प्राप्त होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर दो चीज़ें कॉमन होगी, उनका मेल होगा, और मेल होने के बाद में अपने को भ्रूण का निर्माण या बीज का निर्माण मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अपने को लाभ क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल अपना लैंगिक जनन होता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला तो देखिए, इसके अंदर जो अपना भ्रूण का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, वो नर व मादा के मेल होने के कारण होगा, संयोग होने के कारण होगा, ठीक है। अब आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको एक बात का विशेष तौर से पता होना चाहिए, पौधे के जितने भी भाग होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि पौधे के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और किस किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ पर उसका पाए जाते हैं। देखिए, मेनली पार्ट होता है अपर तना होता है, तने की संरचना
आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके हर जगह पर काम आती है। तो हम बात करें, देखिए पहले इससे पहले मैं आपको फ्लोर संरचना बताता हूँ। जब अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर फूल पाएंगे, फूल आएंगे तो आपको इसका पता होना चाहिए, फ्लोवर स्ट्रक्चर का, फूल की संरचना का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन कर रहे हैं और लैंगिक जनन में हम पहला ये मान लीजिए आपकी शाखा है और शाखा से किसी फूल का विकास हो रहा है। शाखा से किसी फूल का विकास हो रहा है। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा फूल के बारे में, परंतु मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, तो फिर आप अगर अपने बाद में अध्ययन करेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये फूल की संरचना होती है। जिस शाखा से फूल लगा रहता है उसे अपने कहते हैं पुष्पवरंत। क्या कहते हैं? पुष्पवरंत। उसके बाद में जिससे अंडप या अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है, जिस संरचना से अंडाशय है वो जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन या थैलेमस, थैलेमस कहा जाता है। अब अगर अपने बात करें तो ये कहलाता है बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं, बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल को कहा जाता है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज को कहा जाता है सेपल। ठीक, बाह्य दल होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं? हरे होते हैं। जो क्या करते हैं? जो इसके अंदर आवश्यक चक्कर पाए जाते हैं उनकी रक्षा करने की कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है अपना दल, दल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दल पुंज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? दल पुंज का निर्माण करते हैं। दल को क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। दल को क्या कहा जाता है? पेटल। और दल हमेशा ही क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, ताकि कीट हैं वो आकर्षित हों और परागण अपना अच्छे से संपन्न हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए दो पार्ट पाए जाते हैं किसी भी फूल के अंदर, एक तो होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो जो ये पार्ट रहता है ये फीमेल पार्ट रहता है, सबसे ऊपर ही ऊपर आता है अपना वर्तिकागर। क्या आता है? वर्तिकागर। उसके बाद में ये जो अपना फिलामेंट होता है इसको कब बोला जाता है? वर्तिका। क्या बोला जाता है? वर्तिका। उसके बाद में ये होता है वो होता है ओवेरी या अपना अंडाशय, ओवेरी या अंडाशय। उसके बाद में देखिए ये जो पार्ट है, ये जो गोल घेरे घेरा सा बनाया मैंने, इसको कहा जाता है पोलन ग्रेन या एंथर, एंथर। ठीक है, पुमंग धानी इसको बोला जाता है। एंथर में क्या होता है? इसके अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। जो ये फिलामेंट होता है यहाँ पर पराग कण इस अपने पू तंतु से जुड़ा रहता है, ये फिलामेंट होता है, एंथर फिलामेंट होता है, जो पोलन फिलामेंट भी जिसको बोलते हैं, जो अपना पराग थैली है ये इस तंतु से जुड़ी रहती है, वहाँ पर पाए जाते हैं अपने सुनजी उत्तक। ठीक है, सुनजी उत्तक के द्वारा ये जुड़ा रहता है। तो जो वर्तिका, वर्तिकागर और अपना ओवेरी है इसको मिलाकर कहा जाता है स्त्री केसर, पिस्टलेट, स्त्री केसर। और जो अपना एंथर और पूतंतु इनको मिलाकर कहा जाता है अपना पुमंग। क्या कहा जाता है? पुमंग। तो दो चीज़ें होती है, पुमंग होता है वो क्या करता है? मेल का कार्य करता है, और स्त्री केसर होता है वो फीमेल का कार्य करता है। ये संरचना होती है पुष्प की। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो
यहाँ पर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये नर भाग के पराग कण इस वर्तिकाग्र पर जाते हैं और वर्तिकाग्र पे जाके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने के बाद में इनमें गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर वृद्धि करते हैं और इनके अंदर इस प्रकार की, अगर देखिए पराग कण होता है वो इस प्रकार की संरचना लिए हुए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पराग कण में प्रस्फुटन होता है, पराग कण में क्या होता है, प्रस्फुटन होता है। और इसमें सबसे पहले एक केंद्रक चलता है जो सहायक होता है, उसके बाद में ये नष्ट हो जाता है और लास्ट में दो कोशिकाएं और चलती है जिनमें क्या होते हैं, अपने पराग कण नाभिक बोलते हैं इनको, ठीक है, पराग कण नाभिक बोलते हैं। ये ही क्या करते हैं, अपने अंड कोशिका के साथ संलयन करते हैं, ठीक है। जो मैंने अपने बीजांड का अपने चित्र बनाया था उसमें क्या किया था, ये एक सेल थी, इसकी सहायक कोशिका थी और एंटीपोडल सेल थी, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है, जब ये पराग कण अपना एग सेल को ही ज़्यादातर विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में सबसे पहले हम बात करें तो जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा वो नर व मादा के मिलने से ही होगा। दूसरी बात क्या की थी हमने, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब पराग कण का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो पराग कण का जब निर्माण होता है तो इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर। और जब अपने ओव्यूल का निर्माण होता है तो ओव्यूल के निर्माण को क्या कहा जाता है, मेगास्पोर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेगास्पोर। और ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का जो निर्माण होता है वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा ही होता है, किसके द्वारा होता है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा ही होता है। इस सारी प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब इस माइक्रोस्पोर के द्वारा अपने को क्या मिलेंगे, नर मिलेंगे, मेगास्पोर से अपने को क्या मिलेगी, मादा मिलेगी। जब इनके गेमेट का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है, गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। यानी नर से अपने को पोलन प्राप्त होंगे और मादा से अपने को ओव्यूल प्राप्त होंगे, बीजांड प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इनका प्राप्त होना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। सबसे पहले अगर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण हो रहा है तो स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा, अपने परागण और ओवेरी का अगर विकास हो रहा है, कार्पल का अगर विकास हो रहा है तो क्या कहलाएगा, स्पोरोजेनेसिस। और अगर गेमेट का निर्माण हो रहा है तो क्या कहलाएगा, गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। उसके बाद में अगर बात करें जायगोट का निर्माण होता है और मेजोरिटी क्लोप जो होते हैं वो सारे के सारे अपने प्लांट होते हैं, वो लगभग ही क्या होते हैं, अपने लैंगिक जनन से ही प्रवर्धन करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो आपका जो पार्ट था रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो संरचनाएँ आपको नहीं बताई, उतना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा वैसे 12th क्लास के अंदर कि मेगास्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, पहले 4 की संरचना होती है फिर 7 की संरचना होती है, इस प्रकार से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हैं। यानी जो भ्रूण का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है ये आप बुक्स के अंदर से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा डीपली मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि डीपली अगर पढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन, परागण किसका, परागण की विधियों के बारे में हम बात करेंगे, परागण की विधियाँ। देखिए परागण होता है वो दो प्रकार का होता है, परागण हमेशा कितने प्रकार का होता है, पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो होता है स्व परागण, क्या होता है,
स्वय परागण, और एक होता है पर परागण। स्वय परागण को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है। और पर परागण को क्या कहा जाता है? एलोगेमी कहा जाता है, एलोगेमी। जब देखिए, जब किसी भी फूल के पराग कण उसी फूल की वर्तिकागर को अगर निषेचित कर रहे हैं तो वो स्वय परागण कहलाता है, उसे ऑटोगेमी कहते हैं। जब किसी फूल की वर्तिकागर को उसी फूल का पराग कण निषेचित नहीं कर पा रहा है तो उसे एलोगेमी कहते हैं, या उसी पौधे के, उसी प्रजाति के, उसी जाति के दूसरे पौधों के फूलों से वो फूल निषेचित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एलोगेमी कहा जाता है। अब देखिए, जो ऑटोगेमी या स्वय परागण होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ऑटोगेमी की अगर अपने बात करें तो पहला प्रकार आता है बाईसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअलिटी यानी द्विलैंगिकता। क्या नाम होता है? द्विलैंगिकता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही फूल होगा और उस फूल में नर व मादा दोनों क्या पाए जाएंगे? उसी फूल के अंदर पाए जाएंगे। उभयलिंगी का मतलब क्या है? हर्मेफ्रोडाइट। जब एक ही फूल में नर व मादा दोनों पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? द्विलैंगिकता या बाईसेक्सुअलिटी कहलाती है, ठीक है। उभयलिंगी फूल अगर पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर द्विलैंगिकता भी नहीं कहेंगे, अपने उभयलैंगिकता कहेंगे, उभयलैंगिकता। हिंदी के अंदर आप थोड़ा सा कम ध्यान दिया करो। हिंदी के अंदर देखिए, आपको जो परिभाषा या आपका पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज लैंग्वेज आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ज़्यादातर आपको इंग्लिश वर्ड का ही प्रयोग करना चाहिए। जो हेडिंग है वो मुख्य तौर से इंग्लिश में ही डालनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद में हम बात करें ऑटोगेमी, इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्वय परागण होता है। स्वय परागण अपना इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन के बहुत ही नज़दीक क्षेत्र होता है, क्लोजेस्ट फॉर्म होती है इनब्रीडिंग की। स्वय परागण इनब्रीडिंग की क्लोजेस्ट फॉर्म होती है, और स्वय परागण से समयुग्मजता में बढ़ावा आता है, समयुग्मजता में बढ़ावा आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपनी बात करें इनब्रीडिंग के बाद में, तो पहला इसका प्रकार है वो हमने पढ़ लिया, पहला प्रकार रहता है बाईसेक्सुअलिटी। कुछ एक क्रियाएं हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं जो अपने स्वय परागण को बढ़ावा देती है। दूसरी प्रक्रिया, क्रियाविधि की बात करें तो दूसरी प्रक्रिया रहती है अपनी होमोगेमी, होमोगेमी। होमोगेमी क्या होती है? जब नर व मादा दोनों भाग समान समय में परिपक्व हो रहे हैं किसी फूल के अंदर, जब वर्तिकागर और परागकण दोनों के दोनों परागकण होते हैं वो समान समय पर अगर विकसित हो रहे हैं तो उससे क्या होगा? स्वय परागण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगर तीन नंबर की बात करें तो तीन नंबर होता है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी वो फूल होते हैं जो परागण के समय खुलते नहीं हैं, यानी कभी नहीं खिलने वाले फूल हैं, वो क्लिस्टोगेमी फूल कहलाते हैं। इनके अंदर पराग कण बंद फूलों के अंदर ही होता है। जैसे आप, हम बात करें गेहूं, जो जई के फूल होते हैं वो क्लिस्टोगेमी प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगेमी प्रकार के फूल पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे वाला अपने बात करें तो रहता है चार नंबर, चार नंबर होता है चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या होता है? चेस्मोगेमी के अंदर परागण होने के बाद में फूल खिलते हैं, उससे पहले फूल नहीं खिलते हैं, ताकि स्वय परागण के अंदर बढ़ावा मिले। इसमें तो क्लिस्टोगेमी में फूल कभी खिलते ही नहीं है, वो फूल जो कभी नहीं खिलते हैं क्लिस्टोगेमी फूल कहलाते हैं, और ये स्वय परागण को बढ़ावा देने वाली एक प्रक्रिया है। चेस्मोगेमी क्या होती है? चेस्मोगेमी में फूल हैं वो परागण के बाद में खिल जाते हैं, वो चेस्मोगेमी प्रक्रिया कहलाती है।
आगे अपने बात करें तो आगे वाली प्रक्रिया रहती है वो एलोगेमी कहलाती है। एलोगेमी होती है वो क्लोजेस्ट फॉर्म होती है, वो अपने आउटब्रीडिंग की होती है, क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग, बाह्य संकरण का, बाह्य प्रजनन का इसका एलोगेमी का प्रकार होता है। और यह विषम युग्मजता को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? विषम युग्मजता को बढ़ावा देती है। समयुग्मजता यानी होमोजाइगिटी, उसके अंदर जो जाइगोट है, उसके अंदर जो जीन है, उसके अंदर जो लक्षण है, वो समान युग्मजता में बढ़ते हैं। और विषम युग्मजता यानी परप्रागण होगा तो अलग अलग पौधों से इसके जीन आएंगे, अलग अलग पौधों से परागण आएंगे, तो इसमें विषम युग्मजता ज़्यादा आ जाएगी। अब कुछ एक क्रियाविधि जिस प्रकार से हमने स्वय प्रागण में पढ़ी थी कि जो बढ़ावा देती है, उसी प्रकार से इसमें एलोगेमी में प्रक्रिया रहती है जो इसको बढ़ावा देती है। पहली प्रक्रिया कि अगर अपने यहाँ पर बात करें तो पहली प्रक्रिया रहती है आपकी डाइक्लाइनाई, डाइक्लिनी। कौन सी प्रक्रिया रहती है? डाइक्लिनी रहती है। जो डाइक्लिनी प्रक्रिया रहती है डाइक्लिनी प्रक्रिया के अंदर फूल, पौधे पर फूल आता है उसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है। कितना लिंग पाया जाता है? एक ही लिंग पाया जाता है। यह जो प्रक्रिया है डाइक्लिनी, जो पार्ट है आपका दो भागों में विभक्त रहता है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त रहता है। पहला भाग होता है मोनोसियस। कौन सा होता है? मोनोसियस। दूसरा भाग होता है वो होता है डायोसियस। डायोसियस यानी हम कह सकते हैं कि डाइक्लिनी के अंदर पादप पर आने वाला फूल है वो यूनिसेक्सुअल होगा, यानी एक लिंगी होगा, उसमें सिर्फ लिंग है वो एक ही पाया जाएगा। उसकी स्थिति है वो अलग अलग होती है। एक स्थिति के अंदर तो एक पौधे पर ही क्या होंगे? नर व मादा फूल अलग अलग होंगे। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नर व मादा अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो मोनो का मतलब आपने, हम समझते हैं कि मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। यहां पर एक पौधे पर जब नर व मादा, एक पौधे पर जब नर व मादा अलग अलग फूलों के अंदर पाए जाते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो कौन सी कहलाती है? मोनोसियस। उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं मक्का की। क्या होती है? मक्का। ठीक है, मोनोसियस यानी मोनो का मतलब एक, और एक पौधे पर ही जब नर व मादा दोनों पाए जाते हैं तो मोनोसियस कहलाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें डायोसियस की, तो डायोसियस के अंदर क्या होता है? डाई का मतलब दो, और दो पौधों पर जब नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं पपीता, पपीता में नर मादा अनुपात है वो 1:10 रखा जाता है, क्योंकि उसमें परागण कराना जरूरी होता है, तो वो क्या कहलाती है? डायोसियस अपनी कहलाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें डाइक्लिनी के बाद में, डाइक्लिनी के बाद में आगे वाली जो व्यवस्था है वो आती है आपकी डाइकोगेमी, दो नंबर प्रक्रिया जो अपने पर परागण को बढ़ावा देती है। कौन सी प्रक्रिया? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या कहलाती है? डाइकोगेमी देखिए उस स्थिति को कहते हैं जब किसी फूल में नर व मादा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। होमोगेमी किसे कहते हैं? जिसमें अपने नर व मादा समान समय में परिपक्व होते हैं। डाइकोगेमी में असमान समय में परिपक्व होते हैं। तो असमान समय में परिपक्व हो गए तो अपने को जो परागण होता है उसमें पर परागण को बढ़ावा देती है ये प्रक्रिया। डाइकोगेमी के आधार पर दो प्रकार से पौधों को बांट सकते हैं अपने। एक तो होता है प्रोटोएंड्री। कौन सा होता है? प्रोटोएंड्री। और एक होता है प्रोटोगाइनी। क्या होता है? प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोएंड्री में नर भाग पहले विकसित होता है, उस फूलों को प्रोटोएंड्री कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात कर ले मक्का। और प्रोटोगाइनी में मादा भाग पहले विकसित होता है, जैसे उदाहरण के रूप में बात कर ले अपने बाजरा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी स्थिति पाई जाती है? प्रोटोगाइनी स्थिति पाई जाती है। प्रोटोएंड्री में नर भाग पहले विकसित होता है और प्रोटोगाइनी में मादा भाग पहले विकसित होता है। उसके बाद में हम बात करें
तो देखिए, परपरागण को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रक्रिया रहती है, तीन नंबर। तीन नंबर जो प्रक्रिया होती है वो होती है हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल, हेटेरोस्टाइल क्या होती है? जब वर्तिकाग्र की लेंथ होती है वो अलग अलग पाई जाती है, फूलों के अंदर वर्तिकाग्र की लेंथ होती है वो अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग पाई जाने के कारण क्या होगा, उसी फूल के परागकण हैं वो उस वर्तिकाग्र को निषेचित नहीं कर पाएंगे, और निषेचित नहीं कर पाएंगे तो अपना क्या होगा, दूसरे फूलों से परागकण आएंगे और उसको निषेचित कर देंगे। तो क्या उनसा परागण हो गया, परपरागण हो गया। उसके बाद में हम चार नंबर की बात करें तो ये आपके सारा टॉपिक ही लगता है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी यानी स्वय अनिश्चितता। स्वय अनिश्चितता के अंदर क्या होगा कि जब किसी फूल के परागकण उसकी वर्तिकाग्र को निषेचित करने में समर्थ न हो तो वो प्रक्रिया है, वो जो स्थिति है वो स्वय अनिश्चितता के नाम से जान जाती है, जो दो प्रकार की होती है आगे अपने पढ़ेंगे। और ये स्वय अनिश्चितता मुख्यतः किसमें पाई जाती है, अपने सरसों के अंदर, ब्रेसिका के अंदर पाई जाती है, रेफिनस मूली के अंदर पाई जाती है, और तंबाकू के अंदर भी ये प्रक्रिया है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम चार नंबर की बात, पांच नंबर की बात करें तो पांच नंबर जो प्रक्रिया है वो रहती है आपकी हर्कोगेमी। कौन सी प्रक्रिया रहती है, हर्कोगेमी। अब ये हर्कोगेमी प्रक्रिया है, ये भी क्या करती है, परपरागण को बढ़ावा देती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसके ऊपर एक स्तर पाया जाता है जो कठोर होता है। ठीक है, और वो जो अपना स्तर होता है वो परागकण को प्रस्फुटित नहीं होने देता, इसीलिए क्या होता है कि परपरागण जरूरी हो जाता है वहाँ पर। और हर्कोगेमी प्रक्रिया मुख्यतः किसमें पाई जाती है, अल्फा अल्फा या रिज़्का के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी पराग कणों के ऊपर या पुंबक जो धानी होती है उसके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पराग कण प्रस्फुटित होने में काफ़ी देरी लेते हैं, काफ़ी समय लेते हैं, देरी से होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, परपरागण बढ़ावा देते हैं। तो ये मोड ऑफ पोलिनेशन हो गए। परागण की विधियाँ देखें, पहला स्वय परागण होता है, दूसरा परपरागण होता है। स्वय परागण क्या होता है, इनब्रीडिंग का एक क्लोजेस्ट फॉर्म है, और इसमें स्वय परागण संयुग्मता को बढ़ावा देती है। स्वय परागण को बढ़ाने के अंदर सहायक विधियां, पहली होती है बाईसेक्सुअलिटी, यानी उभयलिंगी फूल होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फूल होते हैं जिनके अंदर नर व मादा दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद में होमोगेमी, समान समय पर नर व मादा का परिपक्वन। उसके बाद में क्लिस्टोगेमी, कभी खिलने ही नहीं वाले फूल, उदाहरण के रूप में गेहूं जो। उसके बाद में चेस्मोगेमी, परागण के बाद में खिलने वाले फूल कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करें परपरागण की तो एलोगेमी, पहला आउटब्रीडिंग का क्लोजेस्ट फॉर्म है और विषम युग्मता को बढ़ावा देती है। परपरागण को बढ़ावा देने वाली पहली प्रक्रिया होती है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी दो प्रकार की होती है, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस वो पौधे होते हैं जिनमें एक ही पौधे पर, मोनो का मतलब एक एक पौधे पर नर व मादा भाग का पाया जाना। उसके बाद में डायोसियस, डायो का मतलब दो दो पौधों पर नर और मादा भाग का अलग अलग पाया जाना। उसके बाद में डाइकोगेमी होती है। डाइकोगेमी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, नर और मादा का अलग अलग समय पर विकसित होना डाइकोगेमी कहलाती है, और दो भागों में बांट देते हैं, प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री होती है वो मक्का, प्रोटोगाइनी होती है वो बाजरा। प्रोटोएंड्री में नर भाग पहले विकसित होता है और प्रोटोगाइनी में मादा भाग पहले विकसित होता है। उसके बाद में हेटेरोस्टाइलेट यानी वर्तिकाग्र की लंबाई है वो असंतुलित होना, जिसे परागकण है उसको निषेचित नहीं कर पाते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, ये स्वय अनिश्चितता सरसों मूली और तंबाकू में पाई जाती है, उसी फूल के परागकण उसकी वर्तिकाग्र को निषेचित करने में समर्थ नहीं होते हैं, उसको स्वय अनिश्चितता कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हर्कोगेमी होती है, इसके अंदर क्या होता है, पुंबक जो धानी होती है, परागकण होते हैं उनके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है या विशेष प्रकार की संरचना होती है जो टूट टूटती नहीं है। ठीक है, और मुख्यतः किसमें पाई जाती है, रिज़्का के अंदर पाई जाती है, हर्कोगेमी संरचना है। तो ये इतनी सारी परिभाषाएं हैं, इनको आप परिभाषा के रूप में रट लेना, चाहे इस प्रकार से सीधे की सीधे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। उसके बाद में देखिए, हम बात करें आगे वाली चीज़ की, तो मैं आपको थोड़ा सा बायोडाटा है वो बता देता हूँ।
आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर ही बता देता हूँ। ये आपके और सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हम बात करें स्वपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं, स्वपरागित फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहली जो फसल होती है स्वपरागित वो होती है, पहली फसल चावल, गेहूं, जौ और आप इनको नोट कर लीजिएगा एक जगह पर, चावल, गेहूं, जौ, उसके बाद में जई, उसके बाद में अपना रहता है चना, उसके बाद में लोबिया, उसके बाद में मटर, मटर के बाद में रहता है आपका अलसी, लोबिया, मटर, अलसी, ब्लैक ग्राम, उड़द रहता है, और अलसी के बाद में मोठ, मोठ के बाद में तिल, तिल और रहता है आपका, तिल के बाद में सनई, सनई के बाद में रहता है आपका तिल, सनई और मिर्च रहता है, बैंगन होता है, उसके बाद में टमाटर होता है, ये सारे के सारे हैं वो स्वपरागित होते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें परपरागित फसलों की, तो परपरागित फसलें होती हैं वो देखिए, इसमें ऑटोगेमी के अंदर एक आलू और आता है, आलू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड है, ये सारे के सारे सीड प्रोपोगेटेड होते हैं और ये वेजिटेटिव होता है, कायिक जनन के द्वारा प्रवर्धित होता है। उसके बाद में अगर अपने परपरागित की बात करें तो पहला आता है आपका जितने भी कॉर्न हैं, ठीक है, जैसे मक्का हो गया परपरागित होता है, बाजरा हो गया परपरागित होता है, उसके बाद में हम बात करें राई और रिजका, राई भी रहता है, रिजका भी रहता है, और सूरजमुखी, सूरजमुखी उसके बाद में चुकंदर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, चुकंदर, प्याज, लहसुन, प्याज और लहसुन, उसके बाद में गाजर और जितने भी कुकुरबिटेसी हैं, कुकुरबिटेसी कुल की फसलें हैं वो सभी की सभी क्या होती है, परपरागित होती है। अब देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें और आती है, परपरागित फसलें तो होती है, एक और होता है ओपन क्रॉस पोलिनेटेड होता है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर होता है क्या होता है, वैसे तो परपरागण ही पाया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। तो ये कौन कौन सी फसलें होती है, मुख्य रूप से तो होती है पहली ज्वार, फिर होती है कपास, ठीक है। दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका तो पूछ लिया जाता है निम्न में से प्राय परपरागित फसल कौन सी है, तो कौन सी होगी, ज्वार होगी और कपास होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इस प्रकार का एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में
अरहर है वो भी प्राय परपरागित होता है। उसके बाद में राई होता है वो भी परपरागित होता है, और तंबाकू होता है वो भी परपरागित होता है। उसके बाद में गेहूं और राई को मिलाकर बनाया गया एक मानव निर्मित जो खाद्य पदार्थ है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल ये भी क्या होती है, प्राय परपरागित होती है, जिसकी एकमात्र वैरायटी है DT46। ठीक है, तो ये इतना सारा आपका रहता है। तो फ्रेंड्स हमने बात की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ पोलिनेशन, आपका दो टॉपिक आज मैंने कंप्लीट करवाया। कैसा लगा आपको अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के द्वारा। थैंक यू, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, आगे भी आपके लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, आगे भी आपके लिए ये जारी रहेगा। और टाइम मिलते ही, जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से आपके पास फाइनेंस के और अपने स्टेटिक्स के दोनों के वीडियोस हैं वो अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग और फाइनेंस के आज आपके पास ब्रीडिंग का जो वीडियो है वो आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है।